الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الذي من علينا بنبيه دون الأمم الماضية والقرون السالفة سيد خلق الخالق حامل رسالة المرسل الصادق المصدق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفدا اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم ويوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم البرود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلوات اللهم صل على محمد عزيزان الكرامي محترم سامعین کرام امام المتقین کی صفات کے موضوع پر اس سلسلے کے چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں پروردگار عالم سورہ فرقان جو قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے اس سورے کی 74ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون یہ عباد الرحمن خدا کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا کہ اے پروردگار ہمیں اپنی ازواج سے عطا کر وذریاتنا اور ہمیں ہماری ضروریات سے عطا کر کیا عطا کر کوئی عطا آئین آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر واجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں متقین کے لیے امام قرار دے اس آیت کی تفسیر میں تین احادیث
आपकी समातों की नज़र हो चुकी है। आज मिश्कातुल अनवार से रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल इस आयत की तफसीर में एक और रिवायत के रसूल फरमाते हैं, हरामुन अला कुल कल्ब आलम मुहिब्बिन लिश्शहवात अन यजअलहुल्लाहु इमामन लिल्मुत्तकीन। ये हर उस इंसान के ऊपर कि जिसे इल्म दीन और खुदावंद मुताल की तरफ से इल्म हासिल हो चुका है, ज़रूरी नहीं है कि वो मौलाना हो, ज़रूरी नहीं है कि वो रूहानी हो। हर वो शख्स जिसे खुदावंद मुताल ने इल्म दीन दिया है, दीन का इल्म दिया है, उस पर हैरान है अगर उसके दिल में शहवतों की मोहब्बत है, ख्वाहिशात हैं और ख्वाहिशात नफसानी का वो पैरोकार है, तो उस पर ये हराम है कि वो ये तलब करे कि परवरदिगार आलम उसे मुत्तकीन का इमाम कराए। यानी क्या मतलब? उलमा फरमाते हैं कि ये दुआ जो कुरान मजीद के अंदर इबादुर रहमान के लिए सूरह फुरकान की इस आयत में जिक्र हुई है, अगरचे के ये खासुल खास फजीलत है मासूमीन की, लेकिन आम मोमिन भी ये दुआ कर सकता है। अगरचे बतौर कुल वो मुत्तकीन का इमाम नहीं होगा, लेकिन अपने घर में मौजूद अफराद के लिए सरपरस्त बनते हुए उसके घर में जो मुत्तकी हैं उनके लिए वो सरपरस्त के तौर पर, रहनुमा के तौर पर, इमाम के लुगवी माना के माना में जुज़्बी तौर पर वो इमाम बन सकता है। ये जो इमाम होगा इमाम लिल्मुत्तकीन, रसूल उसकी तारीफ में बयान कर रहे हैं, उसके बारे में फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो अपने घर वालों के लिए रहनुमा बने, अपने घर वालों के लिए पेशवा बने, अपने घर वालों को राहे रास्त पर चलाने वाला गाइड बने, तो उसे चाहिए मुहिब शहवात ना हो, तो ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी ना करे, तो वो परवरदिगार आलम के नज़दीक जुज़्वी तौर पर मुत्तकीन के लिए इमाम के तौर पर शुमार होगा और जाहिर होगा। वो इमामुल मुत्तकीन के जब उनके सामने हमाम कहता है कि आप मुझे मुत्तकीन की सिफात बयान करें, तो इमाम मुत्तकीन की सिफात बयान करते हैं और ये उनकी करामत और मौजज़ा है कि वो तादाद जितनी सिफात खुतबाए हमाम के अंदर नहजुल बलागा में मौला ने बयान फरमाई है वो उनकी उनका अदद भी 110 बनता है। 110 सिफात मौला ने बयान फरमाई मुत्तकीन के बारे में खुतबाए हमाम के अंदर, जिसे सुनकर हमाम एक लम्हे के लिए गश खाकर उनकी रूह कफ़स उनसुवी से परवास कर जाती है और मौला फरमाते हैं कि बेहतरीन कलाम और बेहतरीन नसीहतें बेहतरीन दिलों पर इसी तरीके से असर किया। तो हमाम को जो सिफात बयान की वो मौला के अंदर बदर्जा अदम मौजूद थी। हमने मौला की सिफात इमामुल मुत्तकीन होने की जहद से अखलाकी सिफात हमने उनसे इस्तेफादा किया, फर्दी और ज़ाती सिफात से हमने इस्तेफादा किया, इबादी सिफात से हमने इस्तेफादा किया, आज हम कोशिश करेंगे कि इमाम की ख़ानदानी सिफात, इमाम घर में कैसे थे उनसे इस्तेफादा किया। मौलाए कायनात उनकी शादी और इज़्ज़वाज जिस सिन में हो रहा है वो सिन है 21 साल का सिन। मौला की शादी जो जनाबे सैयदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से वाक़े हो गई है वो सिन 21 साल का है। यानी मौला ने दर्स दिया अपने शियों के लिए कि देखो माल व मनाल घर बार इन चीज़ों का इंतज़ार न करो कि इंसान
ये सोचे कि जब तक मेरे पास माल और मनाल नहीं होगा, जब तक मेरे पास घर नहीं होगा, तब तक मैं इज्तिवाज ना करूं और शादी के रिश्ते से मुंसलिक ना हूं, तो नहीं। मौला ने बताया, मौला के पास मेहर देने के लिए सिवाय ज़ेवा के कुछ ना था, फिर भी अल्लाह के रसूल की के हुक्म की अताअत करते हुए, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अन निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत में से, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से पलट जाए और जो मेरी सुन्नत को इख्तियार ना करे वो मेरे मुझसे नहीं है, वो ये ना कहे कि वो अल्लाह के रसूल का उम्मती है और इस्लाम का और दीन इस्लाम का पैरोकार है, नहीं समझनी, वो मुझसे नहीं है। तो मौला ने 21 साल की उम्र के अंदर इज्तिवाज के रिश्ते से मुंसलिक होकर ये बताया कि मैं इस मरहले में भी रसूल का ताबेदार हूँ। और हस्ती भी कौन सी हस्ती जनाबे सैयदा, वो हस्ती के सैयदा तो निसाए आलमीन है, जहाँ परवरदिगार आलम रब्बुल आलमीन है, जहाँ रसूल अकरम रहमतुल आलमीन है, जहाँ अली इब्न अबी तालिब मौलाए कुल कायनात है, वहाँ सैयदा की जात सैयदतुन निसाए आलमीन है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, और वो हस्ती है कि जब तक जनाब सैयदा जिंदा रही, मौला ने किसी और खातून से शादी ना की। छठे इमाम की हदीस है कि छठे इमाम फरमाते हैं, हर्रमल्लाहु अज़्ज़ा वज़्ज़ल, अल्लाह ताला ने हराम कर दिया था अला अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब पर निसा अल आलम, दुनिया की तमाम औरतों को। तो एक मरतबा अबू बसीर जो ये रवायत सुन रहे थे परेशान हो गए, आप तो परेशान नहीं हो गए, मौला के लिए छठे इमाम फरमा रहे हैं कि हराम कर दिया था अल्लाह ताला ने तमाम औरतों को, तमाम ख्वातीन को मौला पर, कब तक मुद्दता हयात फातिमा बिन्त रसूल, कि जब तक अल्लाह के रसूल की बेटी जिंदा थी, अल्लाह ने मौला पर तमाम ख्वातीन को हराम कर दिया था। एक मरतबा अबू बसीर परेशान होकर पूछते हैं, वह कई बहाजा, ये कैसे हुआ कि अल्लाह तो कुरान में ये फरमाता है कि हमने तुम्हें दो की, तीन की और चार की शादी की इजाजत दी है, वह कई फराजा, ये कैसे हुआ? तो फरमाते हैं, लिअन्नहा कानत ताहिरतन वला तहीस, कि ये फातिमा की जात, सैयदा की जात वो जात थी कि जो पूरे महीने पाक व पाकीजा और ताहिर रहती थी, सारी जिंदगी पाक और पाकीजा और ताहिर रहती थी। और दूसरा सब बयान किया, एक तो ये खातून दूसरी खवातीन की तरह नहीं है, उदूल है, पूरे महीने पाक और पाकीजा रहती थी। और दूसरा ये सबक बयान फरमाया, कानत हाजा लकद्रहा व मंजिलतहा, कि जनाबे सैयदा की कद्र व मंजिलत इतनी ज्यादा थी कि उन पर किसी खातून को लाने के लिए परवरदिगार आलम राज़ी ना हुआ। ये जनाबे सैयदा वो जात हैं कि जब तक वो रसूल के इस भाई की, अली इब्न अबी तालिब के हवाले में थी और उनके निकाह में थी और जिंदा रही, उस वक्त तक अली इब्न अबी तालिब ने मौला ने किसी से इस्तेमाल नहीं किया। और सिर्फ यही नहीं, मौला अपने खानदानी सिफात के अंदर दर्ज देते हैं कि छठे इमाम फरमाते हैं कि मौला की खूबी ये थी कि मौला अपने घर बार के लिए मेहनत करते थे, तलाश करते थे, काम करते थे। वो अली जो आपको रातों भर गिरिया करते हुए नजर आता है, मुनाजात करते हुए नजर आता है, जिनकी मुनाजात अली अलैहिस्सलाम मशहूर है, वो अली जिनके ये जुमले हैं कि पूरी रात मैं इबादत करता हूँ और जब से अल्लाह के रसूल से मैंने ये सुना है, मा तरक्तु सलातल लैल, मैंने नमाज शब को कभी नहीं छोड़ा, कब से मुनजा समय तो कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने जब से रसूल का ये कौल सुना कि सलातुल लैल नूर, कि नमाज शब नूर हुआ करती है, उस वक्त से मौला ने नमाज शब को तर्क नहीं किया। वो अली
जो पूरी रात इबादत में मसरूफ रहते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। हत्ता अस्हाब ये कहते हैं कि मौला को हम देखते थे कि करा अल कुरान, कुरान की तिलावत करते थे, कि सुबह की नमाज का वक्त हो जाता था, फजर शुरू कर जाती थी। वो अली इबादतें करके सुबह को सो नहीं जाते थे, वो अली अपने खैरवा के लिए तलाश करते थे, मेहनत करते थे, तगोदौ करते थे, उनके इक्तिसाद के लिए परेशान होते थे और जाते थे। अता शक इमाम फरमाते हैं कि मौला अपने घर बार को सहूलत देने के लिए, घर वालों को सहूलत देने के लिए एक मरतबा यहूदी के यहाँ जॉब करते हैं, काम करते हैं। क्यों? ताकि अपने घर वालों को सुकून मुहैया कर सकें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये थी कि उस ज़माने में मुसलमानों के, मुसलमान कस्बा पड़ोसी के आलम में थे, उनके पास मालो दौलत नहीं था, सारी दौलत यहूदियों के पास हुआ करती थी। खेत सारे आपने सुना है कि हज़रत बिलाल को आज़ाद करने के लिए एक यहूदी के पास जाकर खेत से चंद खजूरें ली गई और फला शख्स को जाकर दी गई, तो उसने फिर हज़रत बिलाल को आज़ाद किया। ये यहूदियों के पास माल हुआ करता है, तो मौला यहूदी के पास जाकर उजरत पर काम कर रहे हैं ताकि उससे जो बदल में कीमत मिले। उस जमाने में बार्टर सिस्टम होता था, चीज़ के बदले में चीज़ मिला करती थी। तो मौला यहूदी के यहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं कि उसके लिए कुएं से डोल को खींच कर निकालते हैं और हर डोल को खींचने के बदले में एक सा खजूर उनको मिलती है, वो खजूर जाकर बेचते हैं और उससे कुछ आटा और कुछ चीज़ें बंदों खरीद कर जनाब सैयदा को देते हैं और कहते हैं अतमी वाकुली, क्या आप भी खाइए और अपने सबियान को, अपने बच्चों को भी खिलाइए। तो अली दर्ज दे रहे हैं कि देखो मैं अली इब्न अबी तालिब भी वो हस्ती हूँ, वो शख्सियत हूँ कि अपने घर वालों को सुकून पहुँचाने के लिए तगोदौ कर रहा हूँ। और आज का शिया इस मंजिल पर और इस मकाम पर पहुँच जाए कि बाज़ अफ़राद आए और आकर ये कहें कि मौलाना साहब हमारा बेटा कोई काम नहीं करता और उसकी बीवी सब जगह पर घरों में काम करती है, ये घर में सोता रहता है या नाउज़ुबिल्लाह नशे में मसरूफ हो गया है, और सिर्फ अय्याम अज़ा के अंदर 2 महीने 8 दिन मातम करता है, अली के फ़ज़ाइल को सुनता है और अली के फ़ज़ाइल को सुनकर कहता है कि बेहतरीन अली थे जनाब अली, अली जो बेहतरीन थे वो आपके लिए नमूना अमल बन कर गए थे। कुरान की आयत लकुम फी रसूलिल्लाह है उस्वतुन हसना के बारे में रिवायात के अंदर है कि जिस तरीके से रसूल की जिंदगी के अंदर नमूना अमल है, नफ्स रसूल अली की जिंदगी के अंदर भी नमूना अमल है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मौला अपने घर वालों को सुकून पहुंचाने के लिए मेहनत करते थे और बातों को जब ये इबादत करते थे तो इनकी सिफात इबादी में से एक इबादत ये है, एक इबादत इस तरीके से बयान हुई है कि उनका जिक्र सबसे ज़्यादा था। उनका जिक्र क्या था? काना अक्सर कलाम अली ज़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मौला का सबसे ज़्यादा कलाम जिक्र के एतबार से जो था वो था तमाम तारीफें उस परवरदिगार के लिए है जो तमाम कायनात का पालने वाला है। और मौला जब नमाज पढ़ते थे तो नमाज इस तरीके से पढ़ते थे कि नमाज के दौरान अली इब्न अबी तालिब को जब खुदावंद मुताल के हुजूर देखा जाता था तो लोग परेशान हो जाते थे कि मौला किस तरीके से खुदा की बारगाह में लरज रहे हैं। तो कम अज़ कम हम ये तो कोशिश कर सकते हैं कि नमाज के उन अल्फाज को जिन्हें हम अदा कर रहे हैं, उन अल्फाज को जिन्हें हम अपनी जबान से दोहरा रहे हैं, मौला की जैसी नमाज तो नहीं पढ़ सकते, कम अज़ कम ये तो कर सकते हैं कि इन अल्फाज को कि जिन्हें हम अदा कर रहे हैं कम अज़ कम उनके माना को जानते हो कि हम अपने खुदा के हुजूर खड़े हैं, खुदा से क्या मांग रहे हैं, खुदा से क्या तलब कर रहे हैं। मौला जब ताकीबात नमाज पढ़ते थे, रिवायात के अल्फाज हैं कि नमाज सुबह के बाद हमेशा देखा गया कि मौला नमाज सुबह का आखिरी सलाम कहने के बाद ना यमीनन दाएं तरफ देखते थे वला शिमालन,
और ना बाएं तरफ देखते थे, ना यसार की तरफ देखते थे, ना यमीन की तरफ देखते थे, सिर्फ और सिर्फ जिक्र इलाही करते थे। और कौन सा जिक्र होता था ताकि बात नमाज के अंदर मौला का तस्बीह है फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा। ये जहरा जो आप सबको मालूम है, लेकिन चूंकि बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए मैं जिक्र करूं, 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुभान अल्लाह। तो ये मौला का जिक्र था, मौला की ताकीद थी। और मौला जब वुज़ू करते थे नमाज के लिए तो एक मरतबा रिवायात के अल्फाज हैं, देखिए मौला के जो फर्जंद हैं उनके खानदानी सिफात के अंदर ही मैं आपको पहले ये समझाऊं, बल्कि मैं खुद भी समझूं, हम सब इस्तेफादा करें कि मौला की औलाद इतनी ज्यादा क्यों थी। फिर उसके बाद ये वुजू की तरीका मौला ने अपने जिस फर्जंद को बताया है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसे इस्तेफादा करें। आपकी तवज्जो है, आप परेशान तो नहीं हो गए इंशाल्लाह। एक मरतबा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मौला की कुल तादाद इत्तेफाक़े तारीख और इत्तेफाक़े उलमाए सीवत के मुताबिक 33 का फिगर के मौला की कुल औलाद 33 थी, 33 थी। आप परेशान हो जाएंगे, मौला की इतनी तादाद, हमसे दो बच्चे नहीं संभाले जाते। मौला के 33 फर्जंद थे और मौला ने जो 33 फर्जंद दिए हैं इस माशरे को, वो सब के सब नेक पारसा मुत्तकी और ऐसे के उनमें से बड़ी तादाद मौला हुसैन के साथ कर्बला में शहीद हुई। मौला के उम्मुल बुनीन से भी 4 फर्जंद हैं, एक अब्दुल्ला, एक उस्मान, एक जाफर और एक अब्बास इब्ने अली। सलावत पढ़े मोहम्मद अल्लाह अल्लाह। इसके अलावा भी दूसरी अजवाज से, साहबा से और अमामा से मौला के औलाद हैं, 33 मौला के फर्जंद हैं बेटों और बेटियों को मिलाकर, जिसमें 19 बेटियां हैं और 14 बेटे हैं। पूछा गया छठे इमाम से कि या इमाम, आपके जद अली की इतनी औलाद क्यों है? इमाम ने फरमाया कि जब रसूल की वफात के बाद मैं अल्फाज के इंतखाब में किनाया करते हुए गैर मशरू तरीके से औलाद होने लगी और बाज दीन के ऐसे अहकाम कि जो निकाह दायमी और गैर दायमी के तरीके से थी वो ममनू कर दिए गए और लोग गैर मशरू तरीकों की तरफ जाने लगे, जिससे इंसानों में जमीन पर एक कसीर औलाद गैर मशरू होने लगी। तो जैसा कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था, मौला ने इन 33 फर्जंदों के जरिए से उस बड़े फिगर को खत्म करने के लिए, उसकी अहमियत को खत्म करने के लिए कि जमीन पर नेक लोग कम ना हो जाएं और नस्ल दर नस्ल नेक अफराद चलते रहे, ये 33 पारसा और पाक और पाकीज़ा फर्जंद हासिल किए। नबी तालिब जिस तरीके से हजरत आदम के बारे में कहा जाता है कि वो बाबा इंसानियत है, इंसानियत के अबुल बशर हैं, वैसे ही मौला का लकब है अबुल बशर, इंसानों के वालिद। तो मौला के एक और जौजा थी जिनके जिनसे एक फर्जंद होते हैं जिनका नाम है मोहम्मद हनफिया। ये मोहम्मद हनफिया वो हैं कि जिन्होंने मौला की इस तरीके से पैरवी की कि एक मरतबा मोहम्मद हनफिया के लिए एक शख्स जो हसन और हुसैन के लिए इनाम लेकर आया था, हदिया लेकर आया था, और उसने मौला के इस फर्जंद को छोड़ दिया और उन्हें इनाम नहीं दिया, तो मौला एक लम्हे के लिए गजबनाक हो गए और कहा कि क्या तुम अली इब्न अबी तालिब से ये तवक्को करते हो, ये तवक्को रखते हो कि वो अपने फर्जंदों के दरमियान इम्तियाज का कायल होगा? अली इब्न अबी तालिब ने बुलाया उस शख्स को और कहा कि जब तेरे पास माल मौजूद था कि तू मोहम्मद हनफिया को भी हदिया दे सकता था, तो तुझे चाहिए था कि इन तीनों के दरमियान तफरीक न करता। एक मरतबा मौला वुजू के लिए बैठे हुए हैं, ये मोहम्मद हनफिया आते हैं, इमाम मोहम्मद हनफिया से कहते हैं कि मौला के वुजू को आप देखें कि कैसा वुजू है,
उनकी ये सिफात इबादी में से इबादत में भी मौला इतना आगे हैं कि वजू करने का तरीका मोहम्मद हनफिया को सिखा है, जो आपको आज भी दुआओं की किताबों में नजर आएगा। लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि ये वाकया क्या था जिस वाकये में मौला ने ये वजू का तरीका बताया। मौला मोहम्मद हनफिया को देखते हैं और कहते हैं कि एक ज़र्फ पानी का लेकर आओ। मोहम्मद हनफिया एक ज़र्फ पानी का लेकर आते हैं, फिर मौला एक जुमला कहते हैं कि देखो मोहम्मद हनफिया, जिस तरीके से मैं ये वजू कर रहा हूँ उसे जहन नशीन कर लो, उसे हिफ्ज़ कर लो, और हिफ्ज़ करने के बाद उसे सहीफ़ाए अली में लिख लो कि अली किस तरीके से वजू किया करते थे। फिर उसके बाद अगर आपकी इजाज़त हो और आप परेशान ना हो तो उन अल्फाज को मैं जिक्र करूँ कि जो मौला ने वजू के बाद बयान किए। बहुत मुख्तसर से अल्फाज हैं कि मौला किस तरीके से वजू करे। एक मरतबा मौला ने हाथों पर पानी डाला, और ये छठे इमाम की रिवायत है वसाइलु शिया के अंदर, मोहम्मद हनफिया को वजू सिखाया, हाथों को पानी डालने के बाद कहा बिस्मिल्लाह व बिललाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअल अल-माअ तुहूरा वलम यजअलहु नजसा। तमाम तारीफें उस परवरदिगार आलम के लिए है कि जिसने पानी को पाक व पाकीज़ा करार दिया और उसे नजिस करार ना दिया। उसके बाद जब मुंह में पानी डाला और कुल्ली करना शुरू की तो कहा अल्लाहुम्मा लक्किनी हुज्जती यौमा अल्काब, परवरदिगार जब मैं तेरे सामने पेश हूँ तुझसे मुलाकात करूँ तो मेरी जबान पर वो दलीलें जारी करना, वो बुरहान जारी करना जो तुझे पसंद आए, जो तुम्हें महबूब हो। वो अतलिक लिसानी बिज़िक्रिका व शुक्रे, और मेरी जबान को आज़ाद कर दे ए परवरदिगार तेरे जिक्र से और तेरे शुक्र से। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर इंसान का वुज़ू इस तरीके से हो जाए तो उसकी नमाज कैसे होगी? ये वुज़ू, ये इबारत मैं कहीं दूर से नहीं लाया कि आप मसाइल शिया ढूंढे, नहीं, तो मसाइल के अंदर आम दुआओं की किताबों के अंदर वुज़ू की दुआओं में ये दुआ मौजूद है। उसके बाद मौला ने बताया भी है कि इस दुआ के पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा। कहा नाक पे पानी डालते वक्त, जब मौला ने नाक पे पानी डाला, इस्तिंशाक जिसे अरबी में कहते हैं, अल्लाहुम्मा ला तुहव्विम अलैया रीहल जन्ना, परवरदिगार मुझ पर जन्नत की खुशबू को हराम न करना, वजअलनी मिम्मन यशुम्मु रीहहा व रौहहा व तीबहा, और मुझे उन नेक अफराद में से करार देना कि जो जन्नत की खुशबू को सुनते हैं, जन्नत की हवा को महसूस करते हैं और जन्नत की खुशबू से महसूस होते हैं। फिर जब चहवद होया तो चहवद होते वक्त मौला ने फरमाया अल्लाहुम्मा बैयद वजही यौमा तस्बद्दु फीहि अल-वुजूह, परवरदिगार मेरे चेहरे को उस वक्त सफेद रखना जिस वक्त लोगों के चेहरे सियाह हो जाएंगे, वला तुसव्विद वजही यौमा तबयज्जु फीहि अल-वुजूह, और मेरे चेहरे को उस दिन सियाह ना करना जिस दिन लोगों के बाद लोगों के चेहरे सफेद होंगे। फिर मौला जब दाएं हाथ पे पानी डालते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा आतिनी किताबी भी यमीनी वल खुल्दा फिल जनाने भी यसारी व हासिबनी हिसाब यसीरा, परवरदिगार मेरे नामाए आमाल को मेरे दाएं हाथ पे देना और मुझे जन्नत के अंदर हमेशा की जिंदगी देना और मुझसे आसान हिसाब करना। फिर जब बाएं हाथ को धोते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा ला तुतिनी किताबी भी यसारी, परवरदिगार मेरे नामाए आमाल को बाएं हाथ पे करार ना देना, वला तजअलहु मगलूलतन इला उनुकी, और मेरे बाएं हाथ को मेरी गर्दन के साथ ना बांध देना, व औज़ु बिका मिन कतअतिन नीरान, और मुझे जहन्नुम की आग से महफूज रखना। फिर जब सैदो मसा करते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा गश्यनी बिरहमतिक व बरकातिक व अफ्विक, परवरदिगार मुझे अपनी रहमत से भर दे, अपनी बरकात से भर दे और अपने हुदरगुजर से भर दे। और जब पाँव का मसा करते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा सब्बितनी अला सिरात यौमा तदुल्लु फीहिल अक्दाम, परवरदिगार मुझे पुले सिरात पर साबित कदम रखना उस दिन जिस दिन लोगों के पाँव पुले सिरात पर लगेंगे। फिर मौला फरमाते हैं मोहम्मद हनफिया से, ए मोहम्मद हनफिया, जो मोमिन भी जो मुत्तकी शख्स भी वुजू करते वक्त इन दुआओं को पढ़े तो मैं अली इब्न अबी तालिब ये कसम खाकर कहता हूँ कि परवरदिगार आलम एक फरिश्ते को मुकर्रर करेगा जो सुबह शाम उसके लिए इस्तग़फ़ार करेगा और जब तक वो नमाज पढ़ता रहेगा उसके हर हर हर
हर्फ के बदले में हजार नेकियां लिखेगा, हजार रहमतें लिखेगा, हजार बरकतें लिखेगा, फिर खुदावंद आलम उसे अपनी मर्जी से बहिश्त में दाखिल करेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अली का वुज़ू है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी सिफात होने के बावजूद भी अली का तवाज़ो कैसा है? जहां जगह मिल जाती थी, अगर कहीं पर जाते थे, जहां देखते थे अफराद मौजूद हैं, तो लोगों को खलान कर नहीं जाते थे। हमारे यहां अगर किसी को गाड़ी पार्क करनी होती है और वो गाड़ी पार्क करना चाह रहा है, देखता है कि वो गाड़ी पार्क कर रहा है, तो इतने में कोई दूसरा शख्स आता है, दूसरा अपना मोमिन होता है, वो देखता है कि अभी इसको गाड़ी थोड़ी सी पार्क करने में टाइम लग रहा है, वो गाड़ी को उसकी जगह पर, और फिर बड़े फखर से कहेगा कि चूंकि मुझे अच्छी ड्राइविंग आती थी इसलिए मैंने उससे पहले पार्किंग कर ली। इंसानी क्या नहीं, शरीयत की नगाह में इसे हक के नौबत कहते हैं। अगर आप मस्जिद में किसी जगह पर सजदागाह रख के जाते हैं तो किसी दूसरे को हक नहीं है कि वो आपकी सजदागाह को हटा कर आपकी जगह पर नमाज पढ़े, किसी दूसरे मोमिन को हक नहीं। अगर आप रोटी लेने के लिए जाते हैं बाजार में और आप लाइन में खड़े हुए हैं, आपने सोचा कि मैं थोड़ा सा ज़हीन बनूं, थोड़ा सा होशियार बनूं, ये बाज लोग जो अहमक हैं उन्हें मैं धोखा दे दूं और मैं रोटी वाले से आंखों के इशारों में बात कर लूं कि मैं थोड़े ज़्यादा पैसे दे दूंगा, और इस तरीके से लाइन के आगे जाकर लोगों के नौबत के हक को खा कर रोटी ले ले, तो उलमा फुकहा तमाम फुकहा का नज़रिया, मौजूदा भी और कुदमा का भी ये नज़रिया है कि ये चीज़ हलाल नहीं है। रोटी हलाल होगी लेकिन ये जो आपने काम किया है इस काम को कहेंगे कि हराम काम किया। आपने दूसरे मोमिनीन का हक को नौबत गश्त कर लिया, नौबत का हक गश्त कर लिया। वहाँ मौला दिखा रहे हैं कि जब मौला किसी जगह पर बैठते थे तो बैठने से पहले देखते थे कि ये किसी की जगह तो नहीं है, फिर जहाँ जगह मिल जाती थी चाहे वो कोने में भी जगह हो वहाँ बैठ जाया करते थे। यही वजह है कि आपको नजर आता है कि जब खंदक में अमर इब्ने अब्दवद ने सलाह दी कि आओ मुझसे हल में मुबारिज, कोई है मुझसे लड़ने वाला, वो कोई नहीं उठा, उस वक्त ये मौला उस खेमे के कोने में तशरीफ फरमाते। तमाम रिवायतों और तारीख के अंदर ये मौजूद है कि मौला उस वक्त खेमे के कोने में इसलिए मौजूद थे ताकि दूसरे अफराद को ये कहने का मौका न मिले कि मौला तो हमेशा रसूल के सामने बैठते थे, सबसे सामने बैठे होते थे इसलिए हर फजीलत को मौला ले लिया करते थे। नहीं, मौला कोने में जाकर बैठे ताकि वो अफराद जो आगे बैठे हुए थे उनके लिए भी हुज्जत तमाम हो जाए। उसने कहा हल में मुबारिस, कोई है जो मुझसे लड़ने वाला है, दूसरी दफा भी कहा, किसी ने जवाब नहीं दिया, बाज को तो सांप सुन गया, बाज ने तो कहना शुरू किया जानते हो ये कौन है, ये वो है जो एक वक्त में अकेले 40 अफराद को मार देता है, 40 अफराद को खत्म कर देता है। एक दूसरे से कहने लगे कि तुम भी नहीं जाना, हम भी नहीं जाएंगे। जब तीसरी दफा इसने कहा हल में मुबारिस, क्या कोई है जो लड़ने वाला हो जो मुझसे लड़े, क्या वो लोग मुसलमान जो ये कहते थे कि अगर वो शहीद हो जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे और अगर वो शहीद ना हुए जिंदा रहे तो गाजी रहेंगे, तो मुसलमानों में कोई ऐसा नहीं है जिसने माँ का दूध पिया हो और वो आकर मुझसे लड़े और आने के बाद मैं उसे या तो जन्नत में भेजूं या वो गाजी करार पाए। बस जब ये सुना तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इख्ता कलाम अल कल्ब, के इस ऐसे जानवर की जबान को रोकने वाला कौन है कि जो ऐसे जानवर की जबान को रोके। उस वक्त मौला जब तीसरी मर्तबा खड़े होते हैं तो उस वक्त मौला के लिए अल्लाह के रसूल ये जुमला कहते हैं कि कुल ईमान कुल कुफर के मुकाबले में जा रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मौला जब कहीं पर तशरीफ फरमा होते थे तो ये इंतजार नहीं करते थे सबसे आगे जगह मिले, नहीं, जहां जगह मिलती थी वहां बैठ जाए। और इसी अजीम हस्ती की एक और सिफत यह है कि जब मौला देखते थे कि सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है, आमादा नहीं है, तो मौला
उस वक्त ऐसे लताएं बयान किया करते थे, ऐसी बेहतरीन बातें बयान किया करते थे कि जिससे सामने वाला सुनने के लिए आमादा हुआ करता। लेकिन आज इंसान सिर्फ अपनी बात सुनाने के लिए तो आमादा होता है, लेकिन दूसरे की बात सुनने के लिए आमादा नहीं होता। मियां बीवी आपस में जब लड़ते हैं तो एक दूसरे के ऊपर बुलंद आवाज के साथ चीखते हैं, हर एक दूसरे को सुनाना चाहता है, दूसरे की सुनना नहीं चाहता। जबकि रसूल के बारे में कुरान ये कहता है कि ये रसूल वो थे कि खैर वो उस दिन बेहतरीन कान थे, ये नहीं कहा कि बेहतरीन सुनने वाले थे, कहा बेहतरीन कान थे। कहना चाहता था परवरदिगार कि ये मोमिनीन, ये मुसलमान रसूल से जितना ज्यादा बातें करते हैं, अल्लाह के रसूल तआम्मुल से उन बातों को सुना करते हैं। ये अल्लाह के रसूल की सिफत थी कि वो बेहतरीन तरीके से सुना करते थे, और यही मौला की भी सिफत थी कि वो बेहतरीन तरीके से सुना करते थे। और मौला की इन्हीं सिफात में से जो खानवादे की और खानदान की सिफात है, उनमें से एक सिफत थी सिफात अदालत, अदालत फर्दी। अदालत फर्दी क्या है? अदालत फर्दी ये है कि इंसान अपने अलावा दूसरों के साथ भी अदालत करे। एक तो यही चीज़ कि मोहम्मद हनफिया को लिए जब देखा कि मोहम्मद हनफिया को हदिया नहीं दिया गया, तो मौला ने एक लम्हे के लिए असबानी होकर और अपने आप को इजहार तअज्जुब में लाते हुए कहा कि मोहम्मद हनफिया के साथ भी अदालत की जाए। दूसरा जो उनकी इस पैकर का और इस हस्ती का जो वस्फ हमें नज़र आता है खानदान के एतबार से, वो ये कि अपनी अजवाज के दरमियान भी अदालत करते थे। तारीख ने ये लिखा कि वो अली जो जब बाजार में जाया करता था तो लोगों से कहा करता था इत्तकू, डरो और हराम को ना खाओ। वो अली इसी बाजार में जाया करता था और वहाँ से गोश्त को लिया करता था और अपनी जोजा के लिए जिस दिन का इंतखाब हुआ करता था उनके लिए गोश्त को ले जाया करता था। और इंसान इससे ये सबक हासिल करे कि इंसान अगर अपने घर वालों के लिए कोई चीज़ लेकर जा रहा है तो तकसीम अदालत के साथ करे। देखें अदालत और इंसाफ में फर्क है। इंसाफ कहते हैं निस्फ निस्फ को। मसलन एक बाप के चार बेटे हैं, उसके पास एक रोटी है तो वो उसके चार टुकड़े करे और चारों को दे दे। इसे अदल व किस्त नहीं कहते, इसे ये कहते हैं कि इसने चारों के दरमियान बराबर बराबर तकसीम करते हैं। अदालत क्या है? अदालत ये है कि जो बड़ा बेटा है या जो ज्यादा खाने के लिए मोहताज है, जिसे ज्यादा जरूरत है उसे उतनी रोटी दी जाए और जिसे कम जरूरत है उसे उतनी कम रोटी दी जाए। अदल और जुल्म में फर्क यही है। अदल कहते हैं हर चीज को उसके मकाम पर रखा जाए और जुल्म कहते हैं हर चीज को उसके मकाम से हटा दिया जाए। जिस शख्स को जितनी जरूरत है उतनी जरूरत देने वाली हस्ती का नाम अली था। इसीलिए मौला के बारे में कहा गया कि मौला से दुश्मनी इसीलिए की गई, उन्हें शहीद इसीलिए किया गया। कुतिला फी महराबिही लिशिद्दते अदलिही, मौला को महराबे कूफा के अंदर शहीद इसलिए किया गया कि उनका अदल अपनी शिद्दत पर मौजूद था। एक मरतबा एक शिया आता है और अली का शिया आकर मौला से कहता है कि मौला मैं गुनाहगार हूँ, मैंने गुनाह किया है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सजा दें। तो मौला कहते हैं कि क्या गुनाह किया है? वो अपने गुनाह का जिक्र करता है जो मैं यहाँ मेंबर पर जिक्र नहीं कर सकता। मौला ने उसके गुनाह को सुना और गुनाह को सुनने के बाद कहा इसकी तीन सजाएं, तू जिसमें इसमें से जो सजा इंतखाब करना चाहे इंतखाब कर ले। वो अली का शिया कहता है कि मौला मैं इन तीनों में से जो मुश्किल सजा होगी वो इंतखाब करेंगे। मौला कहते हैं कि सबसे पहली सजा यह है कि तेरा जो गुनाह है उसकी सजा यह है कि मैं जुल्फिकार से तेरी गर्दन उड़ा दूं। दूसरी सजा यह है, अली का शिया है कहा कि दूसरी सजा यह है कि मैं दीवार को तेज पर गिरा दूं, और तीसरी सजा यह है कि मैं जलती हुई आग को रोशन करूं और आग को रोशन करने के बाद तू इस आग के अंदर कूद जाए ताकि आग तुझे जला दे। कहा कि मौला अगर जुल्फिकार से आप मेरी तलवार से मेरी गर्दन को उड़ा देंगे तो ये एक लम्हे की तकलीफ होगी और गर्दन उड़ते ही मेरी रूह कफ़ से उमसवी से परवास कर जाएगी, और अगर आप उस पर दीवार गिरा देंगे तो ये भी एक लम्हे की तकलीफ होगी। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सख्त तरीन सजा दें, इसलिए
मैं इस सजा का इंतखाब करता हूँ कि आप मुझे आग में जलाएं। बस मौला कंबर से और हसन से और हुसैन से कहते हैं कि जाओ कूफे में ऐलान कर दो और बता दो कि देखने के लिए आओ कि अली अपने शिया को कैसे सजा देते हैं, अली अपने शिया को किस तरीके से सजा देते हैं। बस ऐलान किया जाता है कि कल अली के शिया को सजा दी जाएगी। ये अली का शिया जाता है अपनी सारी वसीयतों को रात के वक्त में, जो वसीयतें उसे करनी थी वसीयतें कर देता है, जो मीरास उसे तकसीम करनी थी अपनी मर्जी से, जो हिस्सा उसका था जिसे एक चौथाई कहते हैं वो अपनी मर्जी से तकसीम कर देता है और कहता है कि इसके अलावा जो माल है वो शरी तरीके से मीरास में तकसीम हो जाए। अपने घर वालों से अलविदा करता है कि अब तो मेरी मौत नज़दीक है और मैं पाक हो जाऊँगा, अपने मौला के हाथों से मैं ताहे हो जाऊँगा। अजीजाने गिरामी, अली का शिया है जिसे खुद अली सजा दे रहे हैं। देखें, हम ये तवक्को करते हैं कि हम जितने भी गुनाह कर ले तो सीधे जन्नत में जाएंगे। अजीजाने गिरामी, मौला यहाँ ये नहीं बताते कि जो शिया हो अली का वो जितने भी गुनाह कर ले तो सीधा जन्नत में जाएगा, नहीं। मौला फरमाते हैं कि जाओ देखो कूफा में कोई शख्स ना बचे जो इस वाकये को देखने वाला और इस वाकये का गवाह ना हो। मौला अगले दिन आमादा करते हैं आग को, आग को रोशन करने के बाद जब आग पूरी तरीके से रोशन हो जाती है, ये अली का शिया आता है और मसरूर हालत में, खुशी की हालत में कि खुद मेरा मौला मुझे पाक करेगा, आके मौला से कहता है कि मौला आप मुझे हुक्म दें मैं इस आग में कूद जाऊँ। मौला कहते हैं कि हाँ जाओ, तुझे तेरे गुनाह की सजा मिलती है, जाओ इस आग में कूद जाओ। बस ये अली का शिया आग में कूद जाता है। कुछ वक्त गुजरता है, कुछ देर गुजरती है, ये तमाम कूफे के अफराद जिनके चेहरों पर परेशानी होती है, लरज रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं कि ये नौजवान खुद कूद कर अली के हुक्म की पैरवी करते हुए आग में जल रहा है, आग में गिर गया है, आग में चला गया है, ये किस तरीके से जल रहा होगा, इसकी क्या हालत होगी, ये तो जल कर राख हो गया होगा, जबकि ये खुद आमादा है आग में जाने के लिए और आग से निकलना भी नहीं चाहेगा, तो ये तो राख बन चुका होगा। तो एक लम्हे के लिए परेशान होकर मौला से कहते हैं मौला अब तो ये जल गया होगा, इसे बाहर निकालें। मौला एक लम्हे के लिए मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कुछ जवाब नहीं देते। कुछ देर और गुजरती है, आग के अंदर से काला काला धुआं उठना शुरू होता है, ये लोग और परेशान होते हैं कि अब तो अली का शिया जल रहा होगा और अब तो इसकी लाश की राख भी ना बची होगी। मौला से कहते हैं मौला अब इसे आप इसके आग को बुझा दें, इसकी तकलीफ कुछ तो कम हो। मौला दोबारा से खामोश रहता है। जब ये लोग तीसरी दफा कहते हैं तो मौला मुस्कुरा कर कहते हैं कि हाँ आग को बुझा दो। जब आग को बुझाया जाता है तो ये अली का शिया बगैर किसी आग के जले हुए बाहर आता है। मौला एक जुमला कहते हैं, ये वाकया तुम लोगों को दर्स देने के लिए है कि देखो हमारी किसी मोमिन से कोई रिश्तेदारी नहीं है, अगर कोई शख्स गुनाहगार है और उसने गुनाह किया है तो याद रखना जिस तरीके से अली साकी है कौसर है, कौसर का पानी पिलाएंगे, वैसे ही अली कसीमुन नावे वल जन्ना भी है, जन्नत में डालने वाले भी हैं, आग में डालने वाले भी हैं। अली ने अली के शिया को आग में डाल के बता दिया कि देखो मोमिनीन को भी गुनाहों से बचने की जरूरत है और आग को बुझा के भी दिखा दिया कि जो मोमिन तौबा करके अली के पास आए और कहे कि मुझे पाक कर दीजिए तो उसको उसकी तौबा के बदले में खुदा भी अपनी रहमत से नवाजा करता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो आपने कि मौला अपनी सिफत अदालत के अंदर किस मरहले पर, और सिर्फ ये मौला ही नहीं है कि जो सिफत अदालत में अपने आला तरीन मकाम और आला तरीन मरतबे पर है, खुद उनका फर्जंद हुसैन इब्ने अली भी आला मकाम है, ऐसे मकाम पर है अदालत के अंदर और अदालत के अतबार से ऐसे मकाम पर है कि जब कर्बला के मैदान में मौला को ये कहा जाता है कि आप दरिया को छोड़ दें। देखें, मौला ने जब खैमे लगाए थे दो मुहर्रम को, कर्बला में आने के बाद जब मौला ने खैमे लगाए थे तो खैमे दरिया के किनारे थे,
दरिया के पास थे। अब्बास से कहा, ऐ अब्बास जाओ और जाकर खैमों की हिफाजत करो और खैमों के अजवाब चक्कर लगाते हैं। बस अब्बास खैमों के अजवाब चक्कर लगाते हैं, एक मरतबा घोड़ों की टापों की आवाज़ आती है। पता होता है, पता चलता है कि उमर इब्ने साद 4000 की फौज के साथ कर्बला में आया है। मक्तल के जुमले हैं कि ये 4000 अफराद को उमर इब्ने साद हुक्म देता है कि देखो हुसैन अपने घर वालों के साथ आए हैं, हुसैन पर और उनके घर वालों पर रोब दबदबा और दहक बिठाने के लिए घोड़े की टापों को, घोड़ों को जोर जोर से चलाओ, तेज तेज चलाओ। बस एक मरतबा अब्बास इन आवाजों को सुनते हैं, इन सदाओं को सुनते हैं, जाते हैं और तेज तरीके से पहुंच कर कहते हैं कि क्या तुम्हें गैवत नहीं है, क्या तुम्हें शर्म महसूस नहीं होती कि तुम खयाम में मौजूद खवातीन को डराना चाहते हो, उन पर अपनी दहशत डालना चाहते हो। इन घोड़ों के टापों को बंद करो, इन आवाजों को बंद करो। एक मरतबा उमर इब्ने साद का भेजा हुआ शख्स कहता है कि हम चाहते हैं कि दरिया फुरात के पास से आप अपने खेमों को हटा दें। बस अली का ये बेटा, अली का ये शेर ये जुमला सुनता है, एक मरतबा तलवार को नियाम से निकालता है और एक खत खींचता है। जमीन पर खत खींचने के बाद ये अब्बास कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम में से किसने अपनी माँ का दूध पिया है, किसने इतनी जुर्रत है कि वो एक कदम भी अपने घोड़े के साथ इस खत को अबूर कर सके। बस ये आवाज बुलंद होती है कि एक मरतबा ये उमर इब्ने साद का भेजा हुआ शख्स कहता है कि हम 4000 अफराद तुझे एक लम्हे में कत्ल कर देंगे। अब्बास कहते हैं कि मैं बनू हाशिम का कमर बनी हाशिम हूँ, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस खत को उबूर कर सके। बस ये मुकालमा और ये बहस मुबाहिसा जब अपनी आवाजों के साथ बुलंद होता है, एक मरतबा जनाब ज़ैनब को ये आवाज आती है कि अब्बास मुकालमा कह रहे हैं कि अगर कोई एक शख्स भी इस खत को उबूर करके आया तो ये जंग छिड़ जाएगी। बस जनाब ज़ैनब मौला हुसैन से कहते हैं कि कहती हैं कि भैया आप अब्बास को रोकिए, अब्बास ने अगर अभी जंग कर दी तो हम किस तरीके से दूसरी जगहों पर हिफाजत के साथ पहुंच सकेंगे, ये तो लश्कर के सालार हैं, लश्कर के अलमदार हैं। एक मरतबा मौला हुसैन आते हैं और आने के बाद जनाब अब्बास से कहते हैं, ऐ अब्बास रुक जाओ, मेरा हाथ थामो, मैं तुम्हें लेकर चलना चाहता हूँ। मौला अब्बास को लेकर चलते हैं, एक एक जगह को दिखाते हैं, कहते हैं ऐ अब्बास ये वो मकाम है जहाँ कासिम के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और देखो इस जमीन को हाथ लगा कर महसूस करो, यहाँ बैठ कर मैं कासिम के टुकड़ों को अपनी विदा में डालूंगा। ऐ अब्बास थोड़ा और आगे चलो, आज तो 3 मुहर्रम है, 3 मुहर्रम के दिन तुझे मैं ये बताता हूँ कि यहाँ अली अकबर के सीने से ये हुसैन अपने बेटे के सीने से पर्ची को निकालेगा। ऐ अब्बास ये वो मकाम है जहाँ तेरे बाजू कटेंगे, ऐ अब्बास ये वो मकाम है जहाँ हबीब इब्ने मजाहिब शहीद होंगे, ऐ अब्बास ये वो मकाम है जहाँ मुस्लिम इब्ने औसे जाके सर पर नैजा लगेगा। फिर मौला कहते हैं ऐ अब्बास, मक्तल के जुमले पढ़ रहा हूँ, मारियो सिप्तैन में मौला ने, मौला हुसैन ने मौला अब्बास को इल्मे गैब से खबर दी कि मुस्लिम इब्ने औसेजा कैसे शहीद होंगे। उन्हीं अल्फाज को मैं आपके सामने दोहराता हूँ, मौला हुसैन मौला अब्बास से कहते हैं ऐ अब्बास ये मुस्लिम वो है कि जो रात की तारीकी में कारी कुरान है, ये मुस्लिम वो है कि जो सुबह के दिन में इबादत गुजार है, ये मुस्लिम वो है कि जो मेरे मुस्लिम इब्ने अकील का कूफा में नुमाइंदा था जब कोई मुस्लिम इब्ने अकील की मदद करने वाला ना था, ये मुस्लिम इब्ने औसजा
मुस्लिम इब्ने अकील की मदद करने वाले थे। बस अजीजों, आशूर का जब दिन आता है, मुस्लिम इब्ने उसैजा मौला हुसैन से इजाजत तलब करते हैं कि मौला आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं कर्बला के मैदान कारजार में जाऊं और शहादत के मनसब पर फाइज हूँ। मौला कहते हैं, ऐ मुस्लिम, मुझ मेरे लिए तेरी जुदाई कितनी सख्त है। एक मरतबा मुस्लिम इब्ने उसैजा को इजाजत देते हैं। मुस्लिम इब्ने उसैजा घोड़े पर सवार होते हैं और बेहतरीन तरीके से जंग लड़ते हैं। 25 अफराद को जहन्नुम वासिल करते हैं। एक मरतबा एक नैजा मुस्लिम की पेशानी में पेवस्त होता है और मुस्लिम के बारे में मक्तल ये कहता है कि जिस तरीके से मछली की जिल्द को जब निकाल दिया जाता है तो मछली का जो तन होता है, जिसमें हड्डियां होती है, जिसे हम कांटे कहते हैं, मछली के कांटे जिस तरीके से पेवस्त हुए हुए होते हैं, उसी तरीके से मुस्लिम के बदन पर एक एक करके इतने तीर लगते हैं कि जब तीर लगे हुए मुस्लिम जीन से जमीन पर आते हैं। एक मर्तबा कोई कहता है कि ये मुस्लिम है जो जमीन पर गिर रहे हैं, या तड़पती हुई मछली है जिसका बदन खत्म हो चुका है, वो अपने कांटों के साथ जमीन पर गिर रही है। मुस्लिम जमीन पर जाते कहते अलैका मिन्नी सलाम, ऐ मौला आप पर मेरा सलाम हो। मौला हुसैन महा हबीब इब्ने मजाहिर, हबीब इब्ने मजाहिर के साथ मुस्लिम के पास पहुंचते। मुस्लिम इब्ने उसैजा के अंदर अभी रमक बाकी होती है। हबीब से कहते हैं, ऐ हबीब मेरी तुझसे वसीयत है। बस इतना जुमला कहते हैं, हबीब कहते हैं, ऐ मुस्लिम तुम ऐसे वक्त में मुझे वसीयतें करना चाहते हो जबकि मालूम है कि यहाँ से कोई शख्स नहीं जाएगा, अपनी जान बचा कर नहीं पलटेगा, सब शहीद हो जाएंगे। मुस्लिम कहते हैं, ऐ मुस्लिम ऐ हबीब मैं जानता हूँ कि यहाँ से कोई भी शहीद हुए बगैर ना पलटेगा, लेकिन ऐ हबीब इस हुसैन को तन्हा ना छोड़ना। बस मुस्लिम के सर को हुसैन अपने गोद में लेते हैं, अपने जानू पे लेते हैं और कहते हैं, अंता शहीद हो, तू बेहतरीन शहीद है। फिर हुसैन कहते हैं, ऐ मुस्लिम याद रखना जब रसूल से मुलाकात करो तो कहना आपका बेटा भी बस अब जल्द आपसे मुलाकात करना चाहता है। मैं कहूंगा, ऐ मुस्लिम इब्ने उसैजा जब आप शहीद हुए तो आपके पास हुसैन जैसी हस्ती थी जिनसे आपको तसल्ली हुई, हबीब इब्ने मजाहिर थे जिनसे आपको हौसला मिलेगा। वाह हुसैना वाह गरीबा, हुसैन भी जब घोड़े की जीन से जमीन पर गिरे तो तीरों से छलनी थे, लेकिन हुसैन के सर को काटने वाला तो मौजूद था, कोई सहारा देने वाला ना था। बस मुस्लिम इब्ने उसैजा की शहादत होती है। एक मरतबा खेमे में कोहराम बपा होता है। एक बच्चा खेमे से तेजी से भागता हुआ बाहर निकलता है, उसके कांधों पर तलवार होती है। हुसैन सदा देते हैं, संभालो संभालो इस बच्चे को संभालो, ये मुस्लिम का बेटा है, मुस्लिम इब्ने उसैजा का बेटा है। ये बेटा कहता है कि मुझे मेरी माँ ने ये कहा है कि जिस तरीके से तुम्हारे बाबा शहीद हुए हैं तू भी शहीद हो जाएंगे हो जाओगे। एक मरतबा बनू हाशिम के नौजवान आते हैं, इस बच्चे को संभालते हैं, इस बच्चे को रोक लेते हैं कि वो मुस्लिम इब्ने उसैजा के जसद तक ना पहुंच सके। मैं कहूंगा, ऐ बेटे जब तुमने चाह अपने बाबा के लाशे तक पहुंचना तो लोगों ने तुझे हौसला दिया। वाह सकीना जब हुसैन शहीद हुए तिलाए ज़ैनबिया से ज़ैनब देख रही थी, एक बच्ची भागती हुई बाबा के पास जाना चाहती है, लेकिन कोई सबर देने वाला नहीं, हौसला देने वाला नहीं, आता है तो बालियां छीनने के लिए आता है।
आता है तो तमाचे मारने के लिए आता है। बस ये बच्चा मौला हुसैन से इसरार करके और उसकी माँ इसरार करके इजाजत तलब करती है कि मैं चाहती हूँ ये भी शहीद हो जाए। बस मुस्लिम इब्ने असजा का बेटा मैदान कारजाय में जाता है और आठ जलील और खबीस यजीदियों को जहन्नुम हासिल करता है। जब मलहूनों को जहन्नुम हासिल कर देता है तो एक मरतबा मुस्लिम का बेटा कहता है कि मैं मुस्लिम इब्ने असजा का बेटा हूँ, तुम में से जो है जो मेरे पास आकर लड़ना चाहता है आओ लड़ो। एक मर्तबा उमर इब्ने साद कहता है कि मुस्लिम के इस बेटे को कोई काटने वाला नहीं है। एक मर्तबा एक शकी आगे बढ़ता है और एक नैजे के बैल से मुस्लिम के बेटे के सर पर मारता है, मुस्लिम का बेटा गिर जाता है। एक मर्तबा उसके सर को गर्दन से जुदा करता है और उसके सर को कर्बला की जमीन पर खड़े होकर खयाम हुसैनी की तरफ फेंकता है। एक मर्तबा मुस्लिम की जौजा इस सर को हाथ में लेती है और हाथ में लेने के बाद एक मर्तबा उसकी पेशानी को चूमती है, कहती है मेरे लाल तुझ पर सलाम, उसके गालों पे बरसा देती है, ऐ मेरे लाल तुझ पर सलाम, उसके कानों पर हाथ फेरती है और कहती है ऐ शकीउल कल्ब इंसान क्या तुझे पता नहीं है कि मैं कर्बलाई माँ हूँ। एक मर्तबा सर को पलटाती है और कहती है कि हम जो सदका दे देते वो वापस नहीं लेते, मैं कहूँगा ये भी माँ थी जिसने अपने बेटे के सर को वापस कर दिया। लेकिन एक वो माँ भी होगी कि जब उसका बेटा जमीन पर होगा और सैयदा देखेगी हुसैन के सर को पुश्ते गर्दन से तेरा जरबों से शहीद किया जा रहा है तो वो ये जुमला किस दिल पर दाश्ता होकर कहेगी कि हम जो सदका दे देते हैं वो वापस नहीं। परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर हर तरह होने की तौफीक इनायत कर। जो जो असीवान खैर में परवरदिगार उन्हें रिहाई अता कर। जो जो शिया जिस जिस जगह पर मजलूम है उन्हें जुल्म से निजात दे। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम ज़माना की ज़बूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान के साथ में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत्तवाबुर रहीम। आदम हुसैन।